यूपी में एक बार फिर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पूरी घटना फरूखाबाद की है। आपको बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि पूर्व विधायक मरम सिंह के बाग में कुछ बदमाश लूट की घटना को अंजाम देने के लिए रणनीति बना रहे थे। इस बात की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची स्वॉट टीम और राजेपुर पुलिस ने मिलकर बदमाशों की घेराबंदी की। घेराबंदी के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में दरोगा संदीप कुमार को गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया। पुलिस ने अपना बचाव करते हुए जवाबी फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने इस दौरान चार बदमाशों को पकड़ लिया, वहीं दो बदमाश भागने में कामयाब हो गए। फिलहाल पुलिस फरार चल रहे दो अपराधियों की तलाश में छापेमारी कर रही है।